दोस्तों बॉलीवुड में शादियां तो हमेशा ही चर्चाओं पे रही हैं कि शादियों पे इतना खर्च हुआ और इतने महंगे कपड़े आए और इसी के साथ साथ कौन किसका हो रहा है और क्या होने जा रहा है शादी में, इस तरह की खबरें खूब सामने आती हैं। लेकिन भाई क्या आप जानते हैं कि जितनी महंगी बॉलीवुड की ये शादियां होती है उतने ही महंगे डिवोर्स भी इन सभी को पड़ जाते हैं। जी हाँ, आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के आखिर कौन से महंगे डिवोर्स है, किसने कितने करोड़ लेकर डिवोर्स का ये झंझट खत्म किया। सबसे पहले नाम लेते हैं एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा खान, जो कि अब मलाइका अरोड़ा बन चुकी है और डेट कर रही है अर्जुन कपूर को। वो डिवोर्स ले चुकी है अपने पति अरबाज खान से। इन दोनों के बीच इतने ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो गए थे कि मलाइका ने अरबाज से अपना बहुत ही सालों पुराना रिश्ता झट से तोड़ दिया। इन दोनों के बीच इश्यूज कहां कहां तक बढ़ चुके थे इस बारे में इन दोनों ने बताना तो बिल्कुल भी बेहतर नहीं समझा, मगर कहा जाता है कि सलमान खान इनके रिश्ते के टूटने के पीछे की वजह है। लेकिन अगर आए अब इनके महंगे डिवोर्स पर, तो भाई बता दे कि डिवोर्स के वक्त मलाइका ने 15 करोड़ की डिमांड की थी, लेकिन अरबाज वो 15 करोड़ दे तो सकते नहीं दे, क्योंकि जितना भी पैसा आता है खान परिवार में वो सलीम खान का होता है और उसे कमा कर लाते हैं सलमान खान। अब ऐसे में अरबाज के हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन बच बचा कर उन्हें 15 करोड़ अपनी पत्नी जिनसे वो डिवोर्स ले रहे थे मलाइका को देने ही पड़े। और अब मलाइका उनसे अलग है और इसी के साथ साथ बच्चे को भी संभाल रही है और बास के पास भी उनका ये बच्चा रहता है। लेकिन अब बात करते हैं दूसरी जोड़ी की जिस पे आए थे रूमर्स काफी ज्यादा सामने, और वो है जेनिफर विंगेट करण सिंह ग्रोवर का डिवोर्स। टीवी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर सबसे रोमांटिक कपल इन दोनों को कहा जाता था। भाई सोशल मीडिया पर आकर अपनी फोटोज को पोस्ट किया करते थे जिसमें कभी एक दूसरे के इतने करीब नजर आते थे कि हर कोई अपनी आंखें बंद कर लेता था। ऐसे में हर किसी का ये कहना था कि भाई ये दोनों तो अलग हो ही नहीं सकते, मगर देखिए कि इन दोनों ने दो ही साल में अपना रिश्ता तोड़ दिया। बता दें कि रूमर्स तो ये सामने आए थे कि जेनिफर विंगेट ने करण से डिवोर्स लेने के लिए उनकी हाफ प्रॉपर्टी मांग ली है, लेकिन जेनिफर विंगेट ने इसे पूरी तरह से क्लियर करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था कि नहीं, ऐसा कोई भी जो आप खबर सुन रहे हैं वो सही नहीं है। मैंने ना ही कोई प्रॉपर्टी मांगी है और ना ही मांगने वाली हूँ, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले वक्त के साथ जिनके साथ करण शादी करने जा रहे हैं यानी कि विपाशा, उनके साथ वो खुश रहे। अब बात करते हैं तीसरे महंगे डिवोर्स की, जो की है ऋतिक रोशन और सुजैन खान का। इन दोनों का रिश्ता भी झट से टूट गया था ऋतिक के लव अफेयर के कारण। इनका डिवोर्स काफी ज्यादा ऋतिक रोशन को महंगा पड़ा। सुजैन ने डिवोर्स के वक्त 400 करोड़ की डिमांड कर दी थी, मगर भाई उनके हाथ में सिर्फ पहुंच पाए 380 करोड़। जी हाँ, 20 करोड़ का नुकसान हो गया सुजैन खान का। ऐसे ही अब बात करते हैं नेक्स्ट जोड़ी की, और वो है आमिर खान और रीना दत्ता की जोड़ी। इन दोनों ने लव से शुरुआत की अपने इस करियर की और इसी के साथ इस करियर में आगे बढ़ते जा रहे थे, तो वही लव रिलेशन में आगे बढ़ते जा रहे थे। शादीशुदा जिंदगी खुश भी चल रही थी, मगर काफी जल्द ही एक ऐसा वक्त आ गया कि रीना इस रिश्ते को फिर संभाल ही नहीं पाई और उन्होंने आमिर से अलग होने की कोशिश की। इन दोनों का जो ये डिवोर्स हुआ था वो खुशी खुशी हुआ था। बता दें कि डिवोर्स के वक्त रीना ने डिमांड की थी 50 करोड़ की, जो आमिर ने उन्हें दे भी दी थी, और आज ये हंसी खुशी एक दूसरे से मिलते रहते हैं। ऐसे में बात करते हैं अब नेक्स्ट जोड़ी की, जो है करिश्मा कपूर और संजय कपूर की। इन दोनों की शादी के बाद से ही खबरें सामने आने लग गई थी इन दोनों के बिगड़ते हुए रिश्ते की। ऐसे में जल्द ही डिवोर्स भी चलता रहा और डिवोर्स का केस भी काफी लंबा खींचा, और केस होते होते जब डिवोर्स हुआ तो ऐसे में मुंबई का जो घर था संजय कपूर का वो नाम हो गया करिश्मा कपूर के। ऐसे में 14 करोड़ की रकम उन्होंने एज बॉन्ड दे दी बच्चों के नाम पर, जिसके साथ ही संजय से ये डिमांड कर चुकी थी करिश्मा कि जब तक बच्चे 18 साल के नहीं होते हैं 1 लाख पर महीना उन्हें देना ही पड़ेगा, जो उन्होंने दिया भी। ऐसे में अब बात करते हैं आखिरी जोड़ी की, और ये है संजय और रिया पिल्लई की। संजय की दूसरी पत्नी थी रिया। इन दोनों का रिश्ता ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं टिक पाया और जल्द ही इन दोनों ने डिवोर्स ले लिया अपने अफेयर्स की वजह से। ऐसे में रिया पिल्लई ने डिमांड की थी अच्छी खासी रकम, लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जब तक ये डिवोर्स चल
रहा था तो संजय ने उनके सारे एक्सपेंस उठाए थे और उन्हें डिवोर्स के बाद कुछ करोड़ देने के बाद एक लग्जरियस कार भी उनके नाम कर दी थी। तो वही हाफ प्रॉपर्टी ले चुकी है अमृता सिंह। जी हाँ, अपने से 13 साल छोटे सैफ अली खान के साथ उन्होंने शादी की थी अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर, लेकिन 13 ही सालों में रिश्ता टूट गया था, जिसके बाद सैफ अली खान को इस डिवोर्स के कारण अपनी हाफ प्रॉपर्टी देनी पड़ गई थी अपनी पत्नी अमृता सिंह को, जिसके साथ ही वो अपने बच्चों के नाम भी काफी पैसे कर चुके थे और हर महीने 1 लाख रुपए उनके नाम कर रहे थे उनके 18 साल होने तक। वे दोस्तों ये थे वो नाम जो महंगे डिवोर्स के कारण सुर्खियों में बने रहे। लेकिन हाँ, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाए।